नमस्कार दोस्तों, दिस इज सुनील कुशवाहा, स्वागत है आपके मेरे चैनल पर। दोस्तों, मुझे काफ़ी काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ मालूम चली है। जो नगर सैनिक और जिनकी ड्यूटी लगी हुई थी दिल्ली के इलेक्शन में, ड्यूटी लगी हुई थी किसी 26 तारीख के बीच में, उसी बीच उनका फिजिकल होना था, तो उन्होंने एक लेटर लिखा था उनके हेड ने, उनके डिपार्टमेंट के हेड ने, एक जो हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की हेड हैं कुमुनका मोहंती जी, उनको एक लेटर लिखा था कि इनका फिजिकल जो है बाद में कराया जाता। तो उसके रिगार्डिंग जो हमारी मैडम जी हैं, जो हेड है हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, तो उनका भी एक लेटर आया है, आप यहाँ देख सकते हो। उन्होंने कहा है कि जो 532 को समथिंग जो स्टूडेंट है जिनका फिजिकल होना था, उनकी ड्यूटी लगी हुई है कहाँ पर, दिल्ली इलेक्शन में, तो उनका उनका फिजिकल बाद में कराने की कुछ कुछ प्लानिंग करी जा रही है अभी। ये दोस्तों ऑफिशियल, वैसे तो मैडम के साइन है इस पर, बाकी दोस्तों जो भी न्यूज ऑफिशियल होगी वो आपको आपको आपके जो जहाँ फिजिकल होना है वहाँ के थ्रू, या फिर जहाँ से आपका कॉल आया था उसके थ्रू कुछ ना कुछ मिल जाएगी। अभी आप मेरी वीडियो देखकर ऐसा ना हो ना फिजिकल देने ना जाओ, ठीक है? पहले आप कंफर्म कर लेना, उसके बाद इस चीज़ को कैंसिल मानना। लेकिन ये जो लेटर है वो तो मैंने आपको दिखा दिया है, ठीक है? और पुश करके आप उसको पढ़ भी सकते हो, और वैसे आपको मिल ही गया होगा, ठीक है ना? बाकी दोस्तों जो फिजिकल जिनका होना है उनको बेस्ट ऑफ लक, और मस्त होकर फिजिकल जाके दीजिए। गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिजिकल सुबह होना ये बहुत अच्छी बात है, इसलिए आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और फिजिकल देते टाइम कुछ चीज़ें विशेष ध्यान आपको रखना है, वो चीज़ें क्या क्या हैं, जैसे कि आपको बीच में रनिंग भी करनी है, बीच में आपको पैदल भी चलना है, बीच में कुछ खाते भी रहना है, बहुत ज़्यादा नहीं खाना, नहीं तो आप वॉमिटिंग कर दो, ठीक है? और अभी तो आप वैसे तैयारी कर रहे हो, फिजिकली तैयारी कर रहे होंगे, तो आप चलते फिरते होंगे, तो अभी जैसे आपका फिजिकल होना है उससे 2 दिन पहले से आपको फिजिकल दौड़ना बंद करना है, ठीक है? तो स्ट्रेचिंग कर लिया करो, लेकिन दौड़ना ओढ़ना बंद करना है, इंजरी होने के चांस बढ़ जाते हैं, इसलिए फिजिकल से 2 दिन पहले आपको बिल्कुल नहीं दौड़ना है, रनिंग नहीं करनी, ग्राउंड नहीं जाना है, ठीक है ना? और अपना जो एनर्जी लेवल बना के रखिएगा, अच्छा ग्लूकोज ले लीजिएगा, ठीक है? पानी की मात्रा शरीर में बनी रहे, इसलिए कम कम करके बार बार पानी पीना है। गर्मी के टाइम में ऐसे ही दोस्तों डिहाइड्रेशन से बचा जाता है कि कम कम करके बार बार पानी पीते रहो, तो आप बीमार नहीं होंगे। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों, इसके अलावा विस्तृत फिजिकल जानकारी मैं आपको दे दिया, उसकी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, चौथी पाँचवीं वीडियो कुछ होगी। बाकी दोस्तों मस्त रहिए, खुश रहिए, ख्याल रखिएगा, बने रहिएगा, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।